3, 2, 1 गो। नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे, हमने जो पुराना अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है मेघमनी फिनकैम लिमिटेड पे और जीआर इंफ्रा पे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेघमनी फिनकैम लिमिटेड तो जो है ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दे दिया, लेकिन जीआर इंफ्रा अभी भी वहीं के वहीं अटका हुआ है। तो पहले अपन समझते हैं कि मेघमनी फिनकैम लिमिटेड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से, या ऐसी क्या चीज़ हमने स्किप करी जी आर इंफ्रा में और जो मेघमनी में थी जो जी आर इंफ्रा में नहीं थी। ठीक है, मेघमनी पे हमने अपना ओपिनियन शेयर किया था 6 दिन पहले, सो आज 26 है तो 20 तारीख को हमने इसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया था और हमारा कहना था कि लेवल टू वॉच इस 1100, जो कि इसका प्रीवियस हाई था 1110 और हमने 1100 का लेवल दिया था कि 1100 से ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट हमने एक्सपेक्ट किया था। वो 200 पॉइंट का मूवमेंट तो हुआ ही हुआ और आज का जो हाई इसने बनाया वो बनाया 1526 का, सो ऑलमोस्ट 420 से 425 पॉइंट का मूवमेंट स्टॉक ने दिया है 6 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, यहाँ एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है, अगर आप इसके वॉल्यूम्स पर नज़र डालें तो ये जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं, यहाँ ये ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पर ये वॉल्यूम्स हैं 808 के और ये वीकली चार्ट है ना, ये देखिए आप 214 के, 695 के, 539.27 के, 28 मार्च को 337.66 के और 18 अप्रैल को था 1.346 मिलियन। यहाँ जो वॉल्यूम्स हो रहे थे वो थाउजेंड्स में हो रहे थे और यहाँ जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं वो मिलियंस में होना स्टार्ट हो गए थे 18 अप्रैल से। तो जो पहली चीज़ हमें समझ में आई, तो हमें देखना चाहिए पहले ट्रेंड, वो हमने देखा था कि अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके दिखाऊं कि ट्रेंड जो है वो हमेशा अप होना चाहिए तभी आप उस चीज़ में आगे बढ़ाएं। अगर ये देखें आप, जैसे ये मैंने एक ऑलरेडी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ट्रेंड अप है और इंटैक्ट है और हमेशा ये ट्रेंड पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ भी थोड़े समय के लिए ट्रेंड से नीचे गया बाकी ऊपर आ गया और उसके बाद एवरी टाइम इट इज़ टेकिंग द सपोर्ट ऑन ट्रेंड, सो ट्रेंड अप होना चाहिए। दूसरी चीज़ वॉल्यूम्स पिकअप होना चाहिए, तो यहाँ चूंकि वॉल्यूम्स पिकअप हुए और इसीलिए इसमें इतना ह्यूज मूवमेंट हमने देखा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें देखनी है, पहली चीज़ की एक तो ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम्स उसका सपोर्ट करना चाहिए, तीसरा जो अपना ब्रेकआउट है यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ ये ब्रेकआउट दिया था इसने 1024 के ऊपर और यहाँ भी ये ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ हुआ था तो इसीलिए इसके सस्टेन करने की और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ब्राइट थे, जो कि हमने देखा है आज का हाई 1526। वेयर एज अब हम चलते हैं जीआर इंफ्रा पे, हमने क्या किया है या हमने क्या मिस कर दिया जिसकी वजह से जीआर इंफ्रा इतना मूव अभी तक तो शो नहीं किया है इसने। जीआर इंफ्रा पे हमने ओपिनियन अपना शेयर किया था आज से 7 दिन पहले, यानी 19 तारीख को ये हुआ था, 20 तारीख को और ये हुआ है 19 तारीख को। दोनों में हमने कहा था इसमें भी 200 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, इसमें भी 200 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, दोनों का होराइजन 1 मंथ है, लेकिन इसने मेघमनी ने 6 दिन के अंदर अंदर मूव दे दिया और इसको आज लगभग 7वां दिन भी हो गया तो भी उतना मूवमेंट नहीं आया है। तो क्या हमने मिस किया था अपन देख लेते हैं। ओके, अगेन सेम वही वीकली चार्ट है, यहाँ हमने जो मिस किया है आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स जो है मिसिंग है, आप देखिए वॉल्यूम्स वही है, यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़ा सा ज़्यादा था 2.247 मिलियन के, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट जिस डेट में वॉल्यूम था उस डेट में 1500 से ये 2000 तक चला गया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ वॉल्यूम था 1200 से लेके 1290 से 1500 चला गया, तो अगर वॉल्यूम्स जब तक मिसिंग रहेंगे तब तक ब्रेकआउट की संभावना कम रहती है। ये देखिए यहाँ पर भी हुआ था ये, लेकिन बिना वॉल्यूम्स के ये अगर चला, यहाँ भी हुआ था 1500 से 1800 गया था लेकिन वॉल्यूम्स नहीं था तो टिका नहीं और वापस आ गया, तो अभी वही हो रहा है कि इसमें जीआर इंफ्रा में वॉल्यूम्स इतने पिकअप नहीं है। आप अगर देखें एवरेज वॉल्यूम कितना है 37,000 और यहाँ आज हो रहा है 12,000, तो अभी इसीलिए इसमें हो सकता है कल ही इसमें वॉल्यूम्स आ जाएं, जैसे ही वॉल्यूम्स जंप आएगा तो मूवमेंट अच्छा देगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो वॉल्यूम मिस है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ट्रेंड भी देखें और ट्रेंड के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी देखना चाहिए। अगर मैं इसको देखूँ 5 ईयरली चार्ट ज़्यादा है नहीं पुराना, ये 1 ईयरली चार्ट अगर अपन लगाते हैं तो ये डेली है, इसका ट्रेंड पहले अपन ने उस समय ध्यान नहीं दिया, ट्रेंड क्लियर नहीं है दोस्तों। ट्रेंड लाइन सीधे अगर आप कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है,
ये देखिए, ये यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है ट्रेंड लाइन, देखिए आप, है ना। तो ट्रेंड जो है वो हमें अभी भी उतना उतना ऑप्टिमिस्ट नहीं है ट्रेंड के हिसाब से अपन, ये देखिए। तो ट्रेंड अभी ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे मार्च से, लेकिन चल रहा है तो ट्रेंड थोड़ा सा आप है, लेकिन ट्रेंड जो है छोटे ट्रेंड है, और छोटे ट्रेंड का मूवमेंट जो होता है वो नॉर्मली जो है उतना सस्टेन करे ना करे वो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो मिस किया, मैंने जो मिस किया है वो ये मिस किया है कि मैंने इसमें वॉल्यूम्स को है उतना देख नहीं पाए, और अभी तक उतने वॉल्यूम्स दिखे नहीं है। उस दिन वॉल्यूम्स दिख गए थे तो शायद इस वजह से हमने इस पर ओपिनियन दे दिया था, बट मेरा व्यू अभी भी वैलिड है कि स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वॉल्यूम्स आएंगे तभी ये पिकअप होगा। और हमारा जो लेवल है वो क्लियर है, 1540 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लगेगा तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। और हम जो भी यहाँ बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ओपिनियन है, किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन साथियों नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।